Hi guys, my name is Jyoti and welcome back to my channel. Right now I am here at the airport और मैं यहाँ पे airport standby duty में आई हूँ. Those of you don't know airport standby duty क्या होता है वो मैं पहले explain कर देती हूँ. टू टाइप्स ऑफ ड्यूटीज होती है, एक तो फ्लाइट होती है जो कि रोस्टेड होती है और आपको पहले से उसके बारे में पता होता है, ठीक है. और एक होम रिजर्व होता है जिसमें कि आप घर पे होते हो, ठीक है, रिजर्व में होते हो, इट्स काइंड ऑफ स्टैंड बाय ओनली. अगर रिक्वायरमेंट आती है तो आपको फ्लाइट के लिए पुल आउट कर सकते हैं. उसके लिए कंपनी को मिनिमम 2 आवर्स प्रायर टू द रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है, जिस टाइम पे आपको एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करना होता है उससे 2 घंटे पहले मिनिमम कंपनी आपकी यानी कि रोस्टेड पीपल विल इन्फॉर्म यू अबाउट द सेम, ठीक है, दैट इज होम रिजर्व. अब आता है एयरपोर्ट स्टैंड बाय. एयरपोर्ट स्टैंड बाय में एकदम सेम होता है जैसे हम फ्लाइट्स में जाते हैं, वी हैव टू गेट रेडी यूनिफॉर्म सारी चीज़ों के साथ एंड वी हैव टू कैरी आवर थिंग्स, ठीक है, अपना बैग वगैरह सब लेके आना होता है और आपको सारी चीज़ें लेनी होती है इसमें, क्योंकि आप एयरपोर्ट स्टैंड बाय से किसी भी ड्यूटी के लिए पुल आउट हो सकते हैं जैसे कि ले ओवर भी. इसीलिए आपको अपना नाइट किट, ठीक है, नाइट सूट और एवरीथिंग यू हैव टू कैरी जो कि आप एक ले ओवर के लिए कैरी करते हैं. जैसे मेरा 12:30 का स्टैंड बाय था, ठीक है, दोपहर के 12:30 से लेके शाम के 7:30 का मेरा एयरपोर्ट स्टैंड बाय है. मैं घर से निकली थी 11:30 और मैं यहाँ पर पहुँची हूँ 12:40 पे. अभी मैंने अपने ग्रुप से जाकर चेक इन और बीए कर लिया है. बीए यानी कि चेक इन लाइक फॉर आउटगोइंग, आपको मेरा कॉल भी रहता है या नहीं उसके लिए होता है जो कि स्टैंड बाय और फ्लाइट दोनों के लिए ही होता है, ठीक है. और अब मुझे ये लोग शाम के 7:30 बजे तक कभी भी फ्लाइट के लिए पुल आउट कर सकते हैं, ठीक है. और वो फ्लाइट कुछ भी हो सकती है, या तो लेओवर फ्लाइट हो सकती है, या तो डे का फ्लाइट हो सकती है, और रात के मतलब 2 बजे तक भी मैं लाइन कर सकती हूँ. तो दैट इज एयरपोर्ट. अब मैं आपको बताऊंगी एयरपोर्ट स्टैंड बाय में हम करते क्या हैं जब तक हमारी फ्लाइट नहीं लग जाती. तभी मैं पहुंच तो गई, मैंने सब कुछ कर लिया है. थोड़ी देर में मैं जाऊंगी नीचे कुछ खाने के लिए और मुझे थोड़ा सा एएपी का काम है, तो मुझे एएपी ऑफिस भी जाना है. तो जाते जाते मैं थोड़ा सा आपको और यहाँ पे डिपार्चर्स अराइवल्स और आई ट्राई टू शो यू द इनसाइड ऑफ एयरपोर्ट एज वेल, ठीक है. अभी तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, स्टैंड बाय रूम फॉर द क्रू मेंबर्स जो कि हमारे ऑफिस के अंदर है. थोड़ी देर में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी. हम वहाँ पे बैठे रहेंगे, अपना फोन जो है हमें मतलब ऑन रखना पड़ेगा क्योंकि कभी भी रोस्टरिंग से हमें कॉल आ सकती है, ठीक है. इसलिए मैं अपना फ़ोन ऑन रख के कहीं भी मुझे जाना है तो मैं बेस पे एक बार ही बता के जाऊँगी कि मैं लंच करने जा रही हूँ, तो मैं इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, सो दैट दे ऑल्सो नो कि यस देयर आर क्रू ऑन स्टैंड बाय एंड अगर हमारा फ़ोन कनेक्ट नहीं होता है तो दे कैन डू समथिंग अबाउट इट, या बेसिकली दैट इज इट. एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हमारी फ्लाइट लग जाती है तो हम हमें पे मिलता ही है बिकॉज वो तो फ्लाइट में काउंट हो जाएगा हमारे आर्स में. बट अगर हमारी फ्लाइट नहीं लगती है और मैं 7:30 बजे तक पुल आउट नहीं होती हूँ और उसके बाद मैं सीधा घर जाती हूँ, देन ऑल्सो आई गेट पेड, ठीक है. पूरे 7 घंटे तो मैं एयरपोर्ट पर रेस्ट करूँगी, बैठी होंगी, खाऊंगी पीऊँगी, चेक करूँगी, उसके बाद आई गेट पेड ऑल्सो फॉर द सेम. यहाँ पे टी कॉफी मशीन लगी हुई है जहाँ से मैं यूजुअली कार्डियम टी पीती हूँ. आप यहाँ से आते हो सारे जितने भी प्राइवेट एज वेल एज कमर्शियल कैब्स या जो भी हैं यहाँ से आते हैं और यहाँ यू कैन पार्क योर कार हियर जस्ट फॉर सम टाइम, ठीक है. और ये है सारे डिपार्चर्स, एज यू कैन सी यहाँ से एंट्री होती है, ये सारे गेट्स हैं, यहाँ से आप एंटर कर सकते हो. इसके बाद आप काउंटर पे जा सकते हो जिसकी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हो. एयरलाइन के काउंटर में जाके अगर आपको बैग चेकिंग कराना है या फिर बोर्डिंग पास लेना है आप वो करा सकते हो. अब मैं नीचे जाऊंगी, आई शो यू द अराइवल हॉल. ये है फूड कैंटीन टर्मिनल 2 पे नीचे ग्राउंड पे, सारे स्टाफ वगैरह के लिए यहाँ पे पैसेंजर भी खा सकते हैं. ये है दो कैंटीन, यहाँ पे मैं थोड़ी देर में जाके कुछ खाऊंगी. फिलहाल के लिए आई वांट टू शो यू द अराइवल. सो दिस इज द अराइवल, टर्मिनल 2 का अराइवल, और ऊपर जाके था डिपार्चर. फिलहाल अभी मैं नीचे जा रही हूँ कैफेटेरिया, ठीक है, वहाँ पे मैं देखती हूँ अगर कुछ अच्छा खाने को मिलता है तो वो खाऊंगी मैं. थोड़ी देर वहाँ पे बैठने के बाद आई विल गो बैक टू ऑफिस और मैं देखती हूँ अगर मेरे साथ कोई एयरपोर्ट के अंदर जाता है तो.
बिकॉज अकेले जाने में थोड़ा सा वियर्ड लगेगा क्योंकि मेरे को कोई काम तो है नहीं अंदर, ऐसे ही जाके वापस आना होगा। तो देखती हूँ अगर मेरे साथ कोई चले जाएगा तो बहुत अच्छा, अदरवाइज मैं अकेले जाने की कोशिश करूँगी। एंड आई शो यू इन साइड ऑफ एयरक्राफ्ट, सॉरी एयरक्राफ्ट बोल रही हूँ, एयरपोर्ट। सी यू। पास आने को मेरे गले में मारे तेरे, पास आने को मेरे कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर। अंबर सरिया मुंडिया में कचिया गलियां ना तोड़, अंबर सरिया मुंडिया में कचिया गलियां ना तोड़। तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल। अंबर सरिया ये अमेजिंग यार, बहुत अच्छा गा रही है। मैं फ्लाइट के लिए पुल आउट हो चुकी हूँ, इट्स अ वेरी शॉर्ट फ्लाइट, देहरादून बैक फ्लाइट के लिए मैं पुल आउट हुई हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत लास्ट मोमेंट पे मुझे बताया, खूब इंजॉय कर रहे थे स्टैंड बाय में, बट आई गॉट पुल्ड आउट। नाउ आई एम रशिंग टूवर्ड्स द एयरक्राफ्ट, सो थोड़ा थोड़ा मैं दिखाती हुई जाऊँगी आपको। यहाँ से आपकी सिक्योरिटी चेक इन होगी। सो आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द कैरेट्स जो कि नीचे है। जल्दी जल्दी मुझे भागना पड़ रहा है, मेरी सांस फूल रही है। ये टर्मिनल 2 का पूरा फूड कोर्ट है डिपार्चर्स पे, और नीचे आधे गेट्स हैं, आधे गेट्स ऊपर हैं। तो मैं इन्हीं किसी गेट्स में से जाऊँगी जहाँ पे CISF अवेलेबल होगा। अपनी देहरादून में लैंड हुई हूँ। आफ्टर गेटिंग पुल्ड आउट आई रश्ड टुवर्ड्स द एयरक्राफ्ट, ठीक है। एंड वेदर हियर इन देहरादून इज इट इज़ गुड थिंग ऑल्सो टू गेट पुल्ड आउट फ्रॉम अ स्टैंड बाई एयरपोर्ट स्टैंड बाई, क्योंकि आप अपने स्टैंड बाई टाइम से पहले जल्दी ही लैंड हो जाते हो, एंड दैट्स अ गुड पार्ट अबाउट इट। येस दैट इज इट, आई एम डन फॉर द डे, आई एम गोना गो होम, जो कि मुझे जाने में लगेगा 1.5 घंटा। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, आई होप यू एंजॉयड इट। If you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel.